देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं ने महिला आरक्षण कानून को लागू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से महिला कांग्रेस देवास ग्रामीण अध्यक्ष संगीता यादव भी शामिल हुई। दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने नारी न्याय प्रदर्शन किया। इस पूरे आंदोलन की तीन बड़ी और महत्वपूर्ण मांगे केंद्र सरकार से की गई। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में अनेक महिलाओं ने दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन में भाग लिया, जिसमें महिला कांग्रेस ग्रामीण देवास जिला अध्यक्ष संगीता यादव के साथ महिला कांग्रेस खातेगांव ब्लॉक अध्यक्ष रश्मि राजौरिया ने भी दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संगीता यादव ने कहा, यह आंदोलन भारत की राजधानी दिल्ली से होते हुए हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहरों और जिलों में तब तक जारी रहेगा जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता। कहना चाहती हूँ कि जो मोदी जी ने कहा कि 33% प्रतिशत आरक्षण देंगे, लेकिन उन्होंने जो वादा करा था लोकसभा चुनाव के टाइम पे, सिर्फ उन्होंने नारीवाद पकड़ा है महिलाओं को, तो इसके बाद जो आरक्षण उन्होंने बोला था उसको अभी तक लागू नहीं करा। इसलिए हम लोगों ने सभी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विभा जी पटेल के निर्देश पर हम लोग जनपद अंतर पर एकत्रित हुए, ताकि हमें महिलाओं को जो आरक्षण 33% कहा था रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।